जिस चीज के ऊपर बात करेंगे वो एंजाइम काइनेटिक्स। और बता दूं कि बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं, ना कि सीएसआईआर में ही बल्कि और भी अदर एग्जामिनेशंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो काइनेटिक्स की जब बातचीत आती है तो काइनेटिक्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा आता है जिसे हम मेंशन करते हैं। काइनेटिक्स का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो है वो अगर किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी एक सबस्ट्रेट है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस सबस्ट्रेट के कन्वर्जन रेट के बारे में स्टडी करना, मतलब रेट, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब जब भी रेट रिलेटेड स्टडी की जाती है, स्पीड रिलेटेड स्टडी की जाती है, तो उस फील्ड को हम काइनेटिक्स बोलते हैं। और जब भी हम एनर्जी रिलेटेड स्टडी करते हैं तो हम उसे थर्मोडायनामिक्स के फील्ड में रखते हैं बेसिक तौर पे। तो यहाँ पे जो स्टडी हो रही है वो रेट रिलेटेड हो रही है, मतलब स्पीड, कितनी तेजी से कोई सब्स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो ये जो केस कहलाएगा वो काइनेटिक्स कहलाएगा। तो हम जब एंजाइम काइनेटिक्स बोलते हैं इसका मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो बायो कैटलिस्ट है, जो एंजाइम है, वो कितनी तेजी से या वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अगर आपने बेसिक्स कल पढ़ा हो तो आपको शायद ये चीज जो है वो पता होगा कि मैंने बताया था कि अगर याद आ रहा हो पहला कि ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को, या पहले तो जो उससे पहला पॉइंट आता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो बढ़ा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो जो कन्वर्जन का रेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। बेसिक बात यही है। तो अब इस मुद्दे पे बात करेंगे, क्या एंजाइम या जो हमारा बायो कैटलिस्ट था वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता था क्या? क्या इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता था? बिल्कुल नहीं करता था। ये मैं बता चुका हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को जरूर अफेक्ट करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को जरूर कम करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता था, क्योंकि अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को जब बढ़ाएगा तो जितना फॉरवर्ड को बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड को बढ़ाएगा, इसलिए जो नेट चेंज है वो इक्विलिब्रियम पे कभी भी नहीं दिखता है। ठीक है, ये बात ठीक हो चुकी थी कल के, मतलब प्रीवियस क्लासेस में। अब आज वैसे भी मैं बच्चों को बता दूं कि होप यू गाइज आर अवेयर कि मेरी 3 क्लासेस हैं और जो है 12 से लेके शाम, मतलब 12, 3, 6, तीनों क्लासेस आज मेरी हैं। कल फिर बाकी, कल शायद ज्योति मैम से कंटिन्यू करेंगे प्लांट फिजियो, तो कल से 2 क्लासेस लगेंगी। तो आप लोग मेरी क्लासेस के लिए रेडी रहिएगा। मेरी क्लासेस कभी भी रैंडम कभी भी लग सकती हैं, मतलब अगर कोई स्लॉट कभी भी खाली मिलेगा तो मैं उसको एक दिन पहले नोटिफाई करके भी क्लास ले सकता हूँ। उसके लिए बाद में चिल्लम चिल्ली मत मचाइएगा कि अरे सर आपने हमें बताया नहीं ये, क्योंकि स्लॉट्स जो है टीचर्स की अवेलेबिलिटी पे भी कभी कभी क्या होता है, कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, कोई ट्रेवल कर रहा है, कभी हेल्थ इश्यूज हो जा रहे हैं और फैमिली भी है, तो ऑब्वियसली बात है। तो अगर कोई स्लॉट खाली मिलेगा और मैं अवेलेबल रहूंगा तो मैं क्लासेस आपको इन्फॉर्म करके ले लूंगा। मतलब हो सकता है कि वो 4-5 घंटे पहले भी मैं इन्फॉर्म कर दूं, सुबह ही पता चले तो मैं शाम की क्लासेस ले लूं। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि बाद में आप मुझे ये ना कहे कि सर आप मुझे 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले नहीं बता रहे हो, क्योंकि अनसर्टेनिटीज, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि आपने जो प्लान किया था वही उसी हिसाब से चलो, मतलब 4 महीने पहले जो आपने बोला था कि इस टाइम पे ये चीजें होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। अब भगवान ऐसा नहीं कर पाते, मैं कैसे कर पाऊंगा, अनसर्टेनिटीज हर जगह होती है, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन और थोड़ी बहुत शिफ्टिंग हर जगह चलती है। आप खुद जो है 1 हफ्ते का प्लान बनाते हो, स्टडी प्लान, और बचपन से लेके आज तक आप खुद जानते होंगे कि वो कभी एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता। कुछ ना कुछ काम आ जाता है तो वो प्लान एक दिन तो फॉलो होगा लेकिन दूसरे दिन डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए प्लान को लेके, फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रोवाइजेशन जो है आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, सो ये जो है चीजें दिमाग में रखे रहिएगा। नाउ अब काइनेटिक्स के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो काइनेटिक्स में इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में बाइंडिंग होती है। अब एक एंजाइम है और एंजाइम के पास जो है वो सिर्फ एक्टिव साइट भी हो सकता है और उसके पास एलोस्टेरिक साइट भी हो सकते हैं। अब रेगुलेटरी एंजाइम है कि नहीं है ये सब बातचीत थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि एक एंजाइम है और इस एंजाइम के पास ये जो साइट है वो है एक्टिव साइट। ठीक है, और एंजाइम के पास अगर ये एक्टिव साइट है तो एक्टिव साइट पे क्या बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है या प्रोडक्ट बाइंड करता है? एक्टिव साइट पे अगर बात करेंगे तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ठीक है, अब इस एक्टिव साइट से जो है सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है
और जब एक्टिव साइट से अभी तक जब एंजाइम जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सब्सट्रेट से बाइंडिंग नहीं शो कर रहा है, तो आप ऐसे एंजाइम को क्या मेंशन करोगे, बाउंडेड एंजाइम या फ्री एंजाइम मेंशन करोगे? ऐसे को जो है आप फ्री एंजाइम मेंशन करो, ठीक है, ऐसे कंडीशंस को आप फ्री एंजाइम के तौर पे जो है मेंशन करते हैं। चलिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज बात कर लेते हैं यहाँ से। तो जब भी हम एंजाइम काइनेटिक्स, देखो काइनेटिक्स एक ऐसा है, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ एक बार फिर से बोलूं, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंजाइम काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छे अच्छे धुरंधर इस टॉपिक को पढ़ाते नहीं है ढंग से और छोड़ देते हैं, और बच्चा बहुत सारा, इवन वो बायोकेमिस्ट्री का भी बच्चा होगा ना, उसको भी एंजाइम काइनेटिक्स पल्ले नहीं पड़ता क्योंकि वैसा पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। अब इसको आप जो है इस वे में मत लीजिएगा कि मैं अपने गुरूर या अपने उस चीजों में कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एंजाइम काइनेटिक्स को आपको ऐसे डील कराऊं कि आप इसको एक इतना ब्यूटीफुल तरीके से दिमाग में रखें कि अरे यार ये तो इतना मजेदार टॉपिक है, ठीक है। कोशिश करिएगा समझने की, और फ्री माइंड से, ज्यादा लोड लेके नहीं, ठीक है। कभी कभी अगर कोई एक आध चीज, एक आध टर्म ना समझ में आए तुरंत, तो उसको बाद में भी आप दोबारा पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल के तौर पे एंजाइम जब अगर बात करते हैं, तो बिना सबस्ट्रेट बाइंडिंग, यानी जब तक उसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं था, तो वो एक फ्री एंजाइम था, घूम फिर रहा था, अभी उसका सबस्ट्रेट उसे मिला नहीं है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं कभी भी कोई रिएक्शन परफॉर्म करूंगा, किसी भी टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करूंगा, तो उसमें मैं सिर्फ एक एंजाइम लेके काम करता हूं या नंबर ऑफ एंजाइम्स होंगे? नंबर ऑफ एंजाइम्स होंगे, मतलब आप सिर्फ एक एंजाइम के ऊपर जरूर कॉन्सेप्ट को एक एंजाइम के ऊपर जरूर पढ़ते हैं, लेकिन जब आप किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं, और वो एंजाइम्स मेनी एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, शुरू शुरू में सारे इसके सारे एंजाइम फ्री होंगे या कुछ बाइंडेड और कुछ फ्री होंगे? शुरू शुरू में सारे एंजाइम्स फ्री होंगे, ऑल एंजाइम्स आर फ्री, और सारे के सारे एंजाइम्स यहाँ पे फ्री है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि यहाँ पे 100 एंजाइम है। आई रिपीट, मैंने 100 एंजाइम की बात करी और वो ये मेरा एजम्पशन है, मतलब मैंने सिर्फ एक वैल्यू को इजी के तौर पे लेने के लिए बात करी थी। अब सभी के सभी एंजाइम फ्री है, जैसे ही अब इस एंजाइम के कंपोनेंट में आपने क्या दे दिया, सब्सट्रेट दे दिया, चलिए दे देते हैं भाई। तो आपने कहा कि भैया मैं इस एंजाइम के सोल्यूशन में सब्सट्रेट दे देता हूं, और जैसे ही आपने इसमें सब्सट्रेट दिया, अब फिर से एक चीज समझिए कि एक ही सब्सट्रेट देंगे या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट देंगे? कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन चाहे वो मिली मोलर में हो, चाहे मोलर में हो, चाहे माइक्रो मोलर में हो, किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेशन हो। अब ये यूनिट कन्वर्जन मैं बताऊं या आपके माइंड में यूनिट कन्वर्जन का इंफॉर्मेशन क्लियर है? यूनिट कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए, किसी में दिया हो आप अपना न्यूमेरिकल चीजों में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखे रहिएगा। मैं न्यूमेरिकल्स भी समझाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो उससे पहले कि सबस्ट्रेट आपने दिया, और सबस्ट्रेट में भी मिनी सबस्ट्रेट्स वहां पे प्रेजेंट हैं, तो जब सबस्ट्रेट देंगे तो वो सबस्ट्रेट तेजी से, समझिए कि अभी एंजाइम फ्री है, जैसे आप भूखे हैं तो आपकी स्पीड तेज होती है, बहुत तेजी से एंजाइम सब्सट्रेट से बाइंड करना शुरू करेंगे, यस और नो? तो यहां पे जो एंजाइम है, एंजाइम विल बाइंड टू द सब्सट्रेट, ठीक है, बाइंड करना शुरू करेगा तेजी से। और जब एक एंजाइम तेजी से सब्सट्रेट से बाइंड करेगा दोस्त, तो मुझे एक बात बताओ कि वो फ्री एंजाइम रह जाएगा आफ्टर बाइंडिंग, या जो है वो हो जाएगा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स? हम इसको क्या बोलेंगे, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं बाउंडेड एंजाइम, यस और नो? अच्छा, सब्सट्रेट अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड किया हुआ है या एक्टिव साइट पे बाइंड किया हुआ है? एक्टिव साइट पे बाइंड किया हुआ। अगर कोई अदर देन एक्टिव साइट या एलोस्टेरिक साइट भी होता, तो उस पे सब्सट्रेट बाइंड नहीं करता, सब्सट्रेट बाइंड करता एक्टिव साइट पे, ठीक है। अदर देन एक्टिव साइट पे मॉड्यूलेटर बाइंड करते हैं, और मॉड्यूलेटर सब्सट्रेट हो सकता है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही होता है, हर केसेस में नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ, एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन में। तो अब आगे अगर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, धीरे धीरे एक एंजाइम बाइंड करेगा, दो करेगा, 10 करेगा, 80-50 ऐसे कर लिए। अब नंबर जो फ्री एंजाइम का था वो घटने लगेगा, मतलब जो फ्री एंजाइम रहे होंगे, फ्री एंजाइम का अमाउंट धीरे धीरे घटेगा, और ईएस कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं बाउंडेड एंजाइम, उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं इस चीज को यहाँ पे बोलूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
एंजाइम का सेचुरेशन हो रहा है। एंजाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेचुरेट हो रहा है, यस और नो? तो एंजाइम धीरे धीरे सेचुरेट होने लग रहा है, एंजाइम का सेचुरेशन हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है एंजाइम का सेचुरेशन, मतलब बेसिक तौर पे बाइंडिंग बढ़ रही है। अच्छा, जब एंजाइम धीरे धीरे सेचुरेट हो जाए, जैसे आप अपने खाने के हिसाब से देख लीजिए, या शुरू शुरू के क्लास में या पहली क्लास है, आपका दिमाग एकदम फ्रेश होगा, अभी आप फटाफट नॉलेज को कैप्चर करेंगे। लेकिन यही क्लासेस, तीसरी बायोकेमिस्ट्री की क्लास या रात के 9 बजे वाली क्लासेस में इतनी एफिशिएंसी आपके ब्रेन की नहीं रह जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में आपने इंफॉर्मेशन ले लिया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे सेचुरेशन ज्यादा होगा। सेचुरेशन ज्यादा होगा तो जो बाइंडिंग होगी वो होगी तो जरूर फ्री एंजाइम के साथ, लेकिन जो स्पीड होगा, जो रेट होगा, रेट ऑफ बाइंडिंग जो होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यस और नो? अच्छा, इस लॉजिक के हिसाब से मुझे बताइए कि जो रेट ऑफ बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट की, वो सबसे फास्ट कब होगी, रिएक्शन के लास्ट में या रिएक्शन के एकदम तुरंत पहले, स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में होगा, यस और नो? स्टार्टिंग में, क्योंकि सारे एंजाइम फ्री है, तो स्टार्टिंग में मैं इसको बोल सकता हूं कि यहां पे जो रेट होगा वो मैक्सिमम रेट होगा, क्योंकि रेट यहां पे मैक्सिमम होगा, और धीरे 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 घटता चला जाएगा, और एक लेवल पे जाके सेचुरेट हो जाएगा। एक लेवल पे क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो गया। दैट्स व्हाई यू रीड द काइनेटिक्स, यही तो आप काइनेटिक्स पे पढ़ते हो ना, कभी पढ़े हो? ये जो हाइपरबोलिक कर्व माइकलिस मेंशन अभी पढ़ाएंगे ना, ये जो पढ़ोगे, जब कहोगे कि भैया ये है वी वी नॉट, या वी दैट इज द वेलोसिटी या रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ एंजाइम कन्वर्जन, और यहाँ पे है सबस्ट्रेट। आपने बहुत सारे एंजाइम्स लिया था, शुरू शुरू में रेट बहुत तेजी से, देखो रेट जो है वो स्लोप से आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पे देखो ये तेजी से भागेगा, और बहुत तेजी से भागते भागते धीरे धीरे घटना शुरू होगा, और एक लेवल पे जाके क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। यस और नो? यहाँ पे स्लोप देखोगे तो तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है, और फिर धीरे धीरे घट रहा है, और घटते घटते एक लेवल आएगा कि ये जीरो हो जाएगा, रेट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो ये लॉजिक आपका, आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारा मैक्सिमम रेट है, मैक्सिमम रेट शुरू में अचीव होता है जब हमने तुरंत सब्सट्रेट दिया था, और धीरे धीरे रेट घटते 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 क्या हो जाता था, सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेट होने का मतलब वी इज नियर बाई वी मैक्स, वी मैक्स के करीब पहुंच जाता है, मतलब आप उससे ज्यादा जो है एंजाइम बाइंड ही नहीं कर सकते। भैया 100 एंजाइम है तो 100 के 100 सेचुरेट हो गए। समझिए कि अगर 100 के 100 फ्री एंजाइम्स थे, अब 100 के 100 एंजाइम्स अगर 100 के 100 ES कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, तो अब चाहे कितना भी सबस्ट्रेट दे दो, क्या कोई सबस्ट्रेट अब बाइंड कर सकता है? जगह ही नहीं है ऑक्यूपाई करने के लिए, एक्टिव साइट ही नहीं है, तो बाइंड ही नहीं करेगा। इसके बाद आप जब वी मैक्स अचीव हो जाएगा, 100 के 100 सेचुरेट हो गए, यहाँ पे जो है जी, यहाँ पे 100 फ्री एंजाइम्स थे और 0 ES था। ठीक है, मतलब ES का मतलब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे 100 ES हो जाता है और 0 फ्री एंजाइम रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो इंक्रीज इन द रेट, इवन दो यू आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट एट एक्स एक्सिस, बढ़ाते रहिए आप इस पे एक्स एक्सिस पे, ये अब बढ़ने वाला नहीं है, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो जब 0 ES कॉम्प्लेक्स था, तो मतलब उस वक्त रेट सबसे तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, और जब 100 ES पहुंच गया तो यहां पे हो गया वी मैक्स, सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं पे अचीव होगा, मतलब सबसे वी मैक्स जो है वहां पे जाके अचीव होगा, जब सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ सेचुरेट हो चुके होंगे। अच्छा, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 100 एंजाइम्स थे, तो जब 0 एंजाइम सेचुरेटेड था तो वेलोसिटी 0 थी, मतलब ऑब्वियस ही बात है ना कि 0 ES होगा। अब 0 ES होगा तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि अभी कोई ES बना ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। और अगर 100 ES हो जा रहा है एज्यूम्पशन के बेसिस पे, तो वेलोसिटी वी मैक्स के करीब हो जा रही है, नॉट एग्जैक्टली बट लगभग करीब हो जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि अगर 50 एंजाइम सेचुरेट हो जाए, तो लगभग अगर मैं 100 को पूरा मान के चल रहा हूं, कंप्लीट मान के चल रहा हूं, सबसे मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, तो उसका आधा अगर होगा तो यहां पे वेलोसिटी किसके करीब होगा, वी मैक्स बाई 2 के, एग्जैक्टली, समझ में आ रहा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। आर यू गेटिंग द बेसिक्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ बुक, चाहे पढ़ लो कोई भी बुक, लेनिंजर वॉइट एंड वॉइट स्ट्रायर करके, ठीक है?
तो अब ये चीज समझने की कोशिश करना, अगर ये घूम जा रहा है दिमाग में, ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि 100 एंजाइम 100 के 100 बाइंड कर गए, तो सारे के सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। करते क्या है, चलिए समझिएगा एक बार फिर से, कि फ्री एंजाइम सारे के सारे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट जैसे जुड़ जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, नाउ दिस एंजाइम विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, विल मोटिवेट द सबस्ट्रेट टू रीफॉर्म द प्रोडक्ट। ये कुछ बॉन्ड को तोड़ेगा और कुछ को जोड़ेगा। यहां पे जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो यहीं पे क्या होता है, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये चीजें होती हैं। और यहां पे क्या करेगा, ये बेसिक तौर पे कुछ बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, कुछ बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कुछ बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ बनेंगे, और ये एंजाइम का बेसिक यही मुद्दा है। तो जब बॉन्ड टूटता है, तो उससे एनर्जी क्या होती है जनाब, रिलीज होती है, और इस एनर्जी रिलीज को वो किसे दे देता है, जो बॉन्ड बनने होते हैं, बस बात इतनी सी। यही एनर्जी एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब है, आप समझ लीजिए कि आपको 13 यूनिट पहले खुद पढ़नी थी, आप एक सबस्ट्रेट है और हम एक एंजाइम है, आपको 13 यूनिट अकेले खुद पढ़नी थी स्टैंडर्ड बुक से, और आप पढ़ते पढ़ते शायद भन्ना जाते, इसलिए आप वेदमी पे सब्सक्रिप्शन ले लिए। अब वेदमी पे जितने भी ई का मतलब एंजाइम, ई का मतलब एजुकेटर पढ़ लीजिए, एस का मतलब स्टूडेंट या एस का मतलब सबस्ट्रेट समझ लीजिए, एग्जैक्टली वही कहानी है। तो अब आप हमारे साथ जुड़ गए, आप एजुकेटर जो है वो आपके साथ जैसे ही जुड़ा, उसने कई सारी चीजें आपको रीफॉर्म करी कि बेटा ये स्ट्रेटेजी गलत है, इसे तोड़ दो, और ये स्ट्रेटेजी सही है, इसे जोड़ दो। वो जो इतनी मेहनत आपको एक्टिवेशन एनर्जी की लगनी वाली थी, 13 यूनिट आप अकेले पढ़ने वाले थे, नोट्स बनाते, बुक पढ़ते, फिर एक्सट्रैक्ट करते, टीचर ने कहा ये मेहनत हम कर देते हैं, इतनी मेहनत करके हम आपको क्रिस्प नोट्स दे देते हैं, आप क्लासेस को सुन के उसी को बार बार रिकॉल कर लीजिए, तो आपकी मेहनत होगी आधी, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई कम। तो जब कम होगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अगर एक बुक खुद बैठ के पढ़ने जाएंगे, तो मैं आपको दावा दे सकता हूं कि आप लेनिंजर को ही पढ़ने में 2 से 3 महीना लगा देंगे, बाकी तो वॉयट एंड वॉयट स्टार छोड़ दीजिए, इतनी बड़ी बुक है और इतनी लेंदी बुक है। अब उसमें क्या छोड़ना क्या पकड़ना ये सब भी बहुत जानना जरूरी होता है। तो वो सब मेहनत किसने कर दी, एजुकेटर ने, जिससे अल्टीमेट जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी वो हो गई कम और रेट ऑफ रिएक्शन हो गया ज्यादा, और ज्यादा हो जाने से फिर आपको क्या किया गया, अच्छे से रिफॉर्म किया गया, रिफॉर्म करके अब एंजाइम बना देगा प्रोडक्ट, तो एंजाइम और प्रोडक्ट बन गए। प्रोडक्ट का मतलब नाउ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द, या आपने क्वालिफाई कर लिया लगभग लगभग, और अब कर लिया तो अब क्या करेगा, अब जैसे आपने एक आपको पका के तैयार कर दिया गया, भैया पक गए, अब आप क्वालिफाई करने के लिए 100% रेडी हैं, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा रिलीज, आप अपने रास्ते और एजुकेटर अपने रास्ते। अब एजुकेटर मतलब वही टीचर या एंजाइम हो गया फ्री, एंड नाउ इट इज रेडी टू बाइंड एनदर सब्स्ट्रेट, अब अगली साइकिल के लिए कुछ अलग बच्चों को जो है फिर उसी कैटेगरी में लेके जाएगा। सेम विद एंजाइम, एंजाइम भी वही काम कर रहा था, फ्री एंजाइम सब्स्ट्रेट से बाइंड करता था, उसको रीफॉर्म करता था, उसमें कुछ बॉन्ड को तोड़ता था और कुछ को जोड़ता था, उससे जो एनर्जी बचती थी उसी को एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करने में लगा देता था, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था जिसकी वजह से, और फिर जिस वजह से प्रोडक्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट अलग, मतलब एंजाइम अलग, और एंजाइम अब फ्री एंजाइम एनदर सब्स्ट्रेट से बाइंड करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। दिस इज द बेसिक काइनेटिक्स, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो एंजाइम काइनेटिक्स की मैंने बेसिक्स के ऊपर बात करी है, और उस बेसिक्स में मैंने चीजों को समझाया। अब रेट ऑफ रिएक्शन कब ज्यादा है कब नहीं है ये भी मैंने आपको समझाया, मतलब जनरली यहां पे सबसे तेजी से जब एंजाइम सारा का सारा फ्री होता है, जब आप टोटल एंजाइम की बात करते, जब इनिशियली सारा के सारा एंजाइम फ्री होता है, तो वो होता है ईटी, और फिर कुछ एंजाइम ईएस बनाते हैं और कुछ एंजाइम अभी भी फ्री पड़े रहते हैं, तो उसको आप ई बोलते हैं। तो इसीलिए इनिशियल एंजाइम को आप ईटी बोलिए या ई जीरो बोलिए, ये होता है इनिशियल एंजाइम या टोटल एंजाइम। जब टोटल एंजाइम सारे के सारे एंजाइम्स फ्री होंगे, तो उस वक्त रेट सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद जो है धीरे 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 चीजें चलती रहेंगी। अब थोड़ा सा काइनेटिक्स पे और बढ़ते हैं, अभी तो सिर्फ आपने बेस पढ़ा, नाउ अब इक्वेशन की बात आएगी, अब इक्वेशन आपको शायद समझ में आएगा।
द फर्स्ट वन या द ये जो पूरा का पूरा काइनेटिक्स है, ये एक स्टेप या दो स्टेप या तीन चार स्टेप्स में भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो दो स्टेप में आपको डिफाइन कराते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मल्टी सबस्ट्रेट काइनेटिक्स की बात आती है। याद रहे यहां पे जब मैं एंजाइम काइनेटिक्स की बात कर रहा हूं, ये सिंगल सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूं, सिंगल सबस्ट्रेट की मतलब एंजाइम के पास सिर्फ एक सिंगल सबस्ट्रेट है, लेकिन हर एंजाइम सिंगल सबस्ट्रेट काइनेटिक्स फॉलो नहीं करते, ये भी मैं बता दूं। उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। आज तो एंजाइम ही एंजाइम चलने वाला है दिन भर, तो दिमाग में एंजाइम एकदम बैठ जाएगा, मतलब इस तरीके से लिए रहिएगा। तो सिंगल सबस्ट्रेट का मतलब कि यहाँ पे एंजाइम जो है सिर्फ एक सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, उसके अलावा किसी और चीज से बाइंड नहीं कर रहा। अगर आज जैसे आप हेक्सोकाइनेज की बात करते हो, तो हेक्सोकाइनेज एक सबस्ट्रेट से बाइंड करता है कि एक से ज्यादा सबस्ट्रेट से बाइंड करता है? एग्जाम्पल क्यों, एक से ज्यादा, तो एक सबस्ट्रेट इसका तो ग्लूकोज हो गया, दूसरा कौन सा सबस्ट्रेट है फिर इसका भाई? हेक्सोज, ग्लूकोज ही तो है, ग्लूकोज एक हेक्सोज ही तो है, और कोई? मैं चलो बोल रहा हूं कि ये जो है मोनो सबस्ट्रेट नहीं है, ये मल्टी सबस्ट्रेट है, मतलब एक से ज्यादा सबस्ट्रेट है। दूसरा सबस्ट्रेट आप बताओ। अरे हेक्सोकाइनेज बिना एटीपी के काम कर सकता है, तो एटीपी इज गोइंग टू बी द सेकेंड सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम। एग्जैक्टली, फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा। तो समझ में आई बात कि हेक्सोकाइनेज इज नॉट अ सिंगल सबस्ट्रेट वन। ठीक है, अब सिंगल सबस्ट्रेट का कोई एग्जांपल आप पूछोगे, तो जैसे ग्लूकोज आइसोमेरेज का नाम सुना, या फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज, उसी ग्लाइकोलिसिस का, तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज जो थर्ड स्टेप में लगता है, सेकेंड स्टेप में, कि जब ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन जाता है, तो सेकेंड स्टेप में इसको क्या बनाता है, वो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट। याद है, इसमें कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जो एंजाइम होता है सिर्फ इसी सब्सट्रेट से बाइंड करता है और उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये एंजाइम कैसा हो जाएगा, ये सिंगल सब्सट्रेट। समझ में आया? तो क्या एंजाइम सिर्फ मल्टी सब सिंगल सब्सट्रेट भी होंगे कि मल्टी भी हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम किसकी अभी बात कर रहे हैं, हम सिंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर काइनेटिक्स को सिंगल सब्सट्रेट के तौर पर ही एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी हम सिंगल के हिसाब से समझेंगे, मल्टी इसके बाद आएगा, पहले सिंगल पूरा समझ लेंगे तब मल्टी आएगा, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे आप। ठीक है, तो अब जब भी एक एंजाइम जो है सब्सट्रेट से बाइंड करता है, तो आप उस स्टेप को क्या डिफाइन करोगे, सब्सट्रेट बाइंडिंग स्टेप डिफाइन करोगे, ये सुनो, तो वो स्टेप क्या हो जाएगा, सब्सट्रेट बाइंडिंग स्टेप। एंजाइम जो है जब सब्सट्रेट से बाइंड कर रहा है, तो दिस इज ई प्लस एस, एंजाइम एंड सब्सट्रेट बाइंड कर रहे हैं और बना रहे हैं ई एस कॉम्प्लेक्स। इंटरेस्टिंगली ये है आपका एंजाइम और ये है आपका सबस्ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये है एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, यहां पे आप शो कर रहे हैं एक्टिव साइट। अच्छा, मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है, तो कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है या नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है? नॉन कोवेलेंट। और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं कि वीक होते हैं? वीक होते हैं। तो अब सबस्ट्रेट यहां पे जब बाइंड करेगा, तो वो कोवेलेंट नहीं है। अब कोवेलेंट नहीं है, तो वो रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा, मतलब जुड़ भी सकता है और टूट भी सकता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है, यानी जो ईएस कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग है, दैट बाइंडिंग या सबस्ट्रेट बाइंडिंग जो है, दैट स्टेप शुड बी रिवर्सिबल, यस और नो? वो स्टेप क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, और बाई डायरेक्शनल होगा वीक होगा, इसलिए बाई डायरेक्शनल है ये स्टेप। अब इस स्टेप में बाई डायरेक्शनल है, तो एक स्टेप होगा जो कि सबस्ट्रेट जिस जब ई से जुड़ रहा है, और दूसरा स्टेप होगा जब सबस्ट्रेट ईएस कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट हो रहा है, मतलब दिस इज अ टू स्टेप। मैं पहले स्टेप को बोलूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला स्टेप, और फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला वो स्टेप होगा जो ईएस को बना रहा होगा, यस और नो? यस और नो? यहाँ पे K1, यानी K1 को मैं बोल रहा हूँ द फॉरवर्ड रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो आप मुझे बताइए कि जो K1 है वो फॉरवर्ड रेट ऑफ कांस्टेंट या फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है? ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट जो है वो क्या कर रहा है, ईएस को बना रहा है या ईएस को ब्रेक कर रहा है? ये जो K1 है ये बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्जैक्टली।
अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो एक रिएक्शन जो ES को बना रहा है तो एक बैकवर्ड रिएक्शन है, दैट इज के माइनस वन। अब बैकवर्ड रेट कांस्टेंट जो है वो क्या कर रहा है, ES को ब्रेक कर रहा है, एग्जैक्टली दैट ब्रेक्स द ES कॉम्प्लेक्स। ठीक, एज यू नो दैट बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो व्हाट इक्विलिब्रियम मींस दैट रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, यस और नो, के वन इज इक्वल टू के माइनस वन। यानी कि जब जितनी तेजी से ES बन रहा है उतनी ही तेजी से ES टूट भी रहा है, अगर के वन के माइनस वन के बराबर हो जाए तो वही कंडीशन क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब जितनी तेजी से ES बन रहा है उतनी तेजी से टूट रहा है, ये कहानी चल रही है, बस बात खत्म। यहां तक बात समझ में आई, ये पहला स्टेप था सबस्ट्रेट बाइंडिंग स्टेप, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ रहा था। नाउ इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी चीजों का मतलब यहीं पे जो है बॉन्ड का टूटना और बनना होता है। अब इसके बाद का जो स्टेप होता है यानी ES कॉम्प्लेक्स से अब EP बनेगा, मतलब और EP में से प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और एंजाइम फ्री अलग हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है, क्या इस प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल शो कर सकता हूं? व्हाई नो? अगर प्रोडक्ट बन जाएगा तो क्या एंजाइम के पास इतनी प्रॉपर्टी कि आप अगर एक बार PhD क्वालिफाई हो गए तो क्या मैं फिर से आपको नॉन क्वालिफाइड बना सकता हूं किसी भी तरीके से? नहीं ना भाई। तो अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, उसके बाद आप उसको सब्सट्रेट थोड़ी बना सकते हो। एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल। एक बार प्रोडक्ट बन गया, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, मतलब दिस स्टेप कैटालिटिक स्टेप इज रिवर्सिबल और इट इज यूनिडायरेक्शनल और इरिवर्सिबल। यूनिडायरेक्शनल और इरिवर्सिबल आप बोलेंगे। आगे बढ़िए और जरा मुझे समझिए कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो किस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, वो सब्सट्रेट बाइंडिंग के स्टेप पे डिपेंड कर रहा है या कैटालिटिक स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैटालिटिक स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैटालिटिक स्टेप का रेट कांस्टेंट क्या है? K2 है, K2। मुझे एक बात बताओ कि ये इरिवर्सिबल स्टेप है, कैटालिटिक स्टेप है, और यही स्टेप जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप है, यस और नो? एक और चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो मुझे बताइएगा, दैट इज रेट लिमिटिंग स्टेप। इज इट ओके टू यू कि ये रेट लिमिटिंग होगा? वाई रेट लिमिटिंग? क्योंकि देखो बाई डायरेक्शनल स्टेप कभी भी रेट लिमिटिंग नहीं हो सकते। मैं जब मेटाबॉलिज्म बताऊंगा तो भी ये लाइन बोलता हूं मैं, और बार बार बोलता हूं कि कोई भी स्टेप रेट लिमिटिंग वही हो सकता है जो यूनिडायरेक्शनल हो, जो सिंगल डायरेक्शनल हो, जो इरिवर्सिबल हो। बाई डायरेक्शनल कैसे तुम रेट लिमिटिंग बता दोगे? वो ES बन रहा है, ES टूट रहा है, ये रेट कैसे लिमिट हो सकता है इसका? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना तेजी से ESP में कन्वर्ट हो रहा है, बीसी सीधी बात। तो K2 जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा, यस और नो? ठीक है, ये बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? अब इसी क्वेश्चन को उठा के आगे चलो मैं। चलो तो अब ES कॉम्प्लेक्सेस और चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। बहुत आसान है, इतना जो टेंशन आप लेते हो कि अरे ये सब क्या हुआ जिंदगी में, ठीक है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये चीजें जो मैं समझा रहा हूं इतने बेसिक पे ना, ये समझना जरूरी है, नहीं तो काइनेटिक्स फिर रटना पड़ जाता है। अगर किसी को पहले से जानकारी हो और ऐसा लग रहा हो ये सब क्या फालतू की बातें बता रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे पास्ट प्लेटफॉर्म में जहां पढ़ाता था वहां से वो लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हुए, तो पढ़ के आए हुए तो उन्हें कुछ कुछ चीजें पता होती हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें और फास्ट बताओ यार, ये सब चीजें ऐसे फटाफट उड़ा दो। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे कई ऐसे बच्चे जो पहली बार लर्न कर रहे हैं, तो मुझे सबको साथ लेके चलना, मेरी जिम्मेदारी है। अब इस चीज को ध्यान दीजिए कि पहला जो ये वाला था ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग था, और सबस्ट्रेट बाइंडिंग रेट लिमिटिंग था ही नहीं, ठीक है ना? जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन या जो कैटेलिटिक था ये वो ये था। आप कभी भी रेट को पढ़ते हैं तो मैं अगर यहां पे मेंशन करूं रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन,
रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें कि प्रोडक्ट कितनी तेजी से बन रहा है। अगर जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं कि कोई ए रिएक्शन है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कुछ, है ना। तो इसमें जो है चाहे वो अच्छा ये चीज तो आपको पता नहीं कि रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट ऑफ सब्सट्रेट कंजम्पशन के बराबर ही होता है लिमिटिंग सब्सट्रेट के, मतलब जितनी तेजी से ये कंज्यूम हो रहा होगा यानी डी ए बाई डी टी जितनी तेजी से कंज्यूम हो रहा होगा उतनी तेजी से डी बी बाई डी टी बन रहा होगा। ये पता है कि नहीं पता है, बस ये है कि रेट ऑफ सब्सट्रेट कंजम्पशन माइनस में होगा क्योंकि वो रिड्यूस होता है मिलता है। ये दोनों बराबर होंगे ना, डू यू नो दैट, यस और नो? ठीक है। अच्छा डी, मैं मान लो यहाँ पे ए और बी की जब बात कर रहा हूं तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जो डी बी बाई डी टी है मतलब रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये इसी बात पे निर्भर करेगा कि ए कितना है सबस्ट्रेट कितना है। ऑब्वियस ही बात है ना, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट ये होगा उतना ही बी में कन्वर्ट होगा। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, कितना जो है लिमिटिंग सबस्ट्रेट वहां पे प्रेजेंट है। आई रिपीट, लिमिटिंग सबस्ट्रेट, और जब लिमिटिंग सबस्ट्रेट जो है जितना प्रेजेंट होगा उसी पे डिपेंड करेगा। और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए डी बी बाई डी टी जो है यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए के आ जाता है और के इंटू ए हो जाता है। ऐसा कुछ पढ़े हो कि नहीं बेसिक जो है चीजें कभी? ठीक है, यही चीज को यहां अप्लाई करो। रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है अगर मैं बोलूं तो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई एस कॉम्प्लेक्स। इज इट ओके? सी, ध्यान दोगे तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है ना वो इसी पे तो डिपेंड कर रहा है, इसके आगे तो भूल जाओ क्योंकि ये तो रिवर्सिबल है, बनता पड़ा इक्विलिब्रियम पे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जितना ई एस बनेगा उसी पे तो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। तो जो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ई और एस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो ई एस कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा क्योंकि वो रेट लिमिटिंग है यहाँ पे। तो दैट्स द ये है ई एस कॉम्प्लेक्स क्योंकि लिमिटिंग सबस्ट्रेट ई एस कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। यही कहानी है, ट्विस्ट है, लिमिटिंग सबस्ट्रेट यही है। और जब लिमिटिंग सबस्ट्रेट ई एस कॉम्प्लेक्स है तो हम ये आप देखो डीपी बाई डी टी यानी रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई एस कॉम्प्लेक्स। ग्रेट, एंड ई एस कॉम्प्लेक्स की प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो इस रेट का कॉन्स्टेंट क्या लिखोगे यहाँ पे, के टू इंटू ई एस। अरे हाँ है ना, के टू क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस रेट का जिस रेट से कन्वर्जन हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट क्या है, के टू है, इसलिए मैंने के टू रखा हुआ, दैट्स इट। और रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होता है इसी को अगर मैं वेलोसिटी लिख दू मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिख दू तो वी इज इक्वल टू के टू इंटू ई एस। हुआ क्या, बेसिक काइनेटिक्स समझ में आ रही है ना, वी वी इज इक्वल टू के टू इंटू ई एस। ये है तो हमारा जो रेट है, हमारी जो वेलोसिटी है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलिए या रेट ऑफ एंजाइम बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, ये जो वेलोसिटी है वो ई एस कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स की अवेलेबिलिटी या उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इंटू के टू दैट इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द कैटेलिटिक स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप। ये जो है रेट कॉन्स्टेंट है, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ कैटेलिटिक स्टेप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है या नहीं? अगर नहीं है तो बताइए, क्लियर है तो वो भी बताइए, क्लियर है? ठीक है, अब इसी को मैं आगे उठा के कनेक्ट करूंगा, लेकिन कनेक्ट करने से पहले एक जो है कॉन्सेप्ट नया एडिशन में लेनिंजर के दिया हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट नथिंग है जो मैंने बताया, लगभग उसी से मिलता जुलता है, बस वो मेटल स्टिक का कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि फ्यूचर में आपसे पूछ दे तो फिर जो है कहानी वो आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं क्योंकि आगे बढ़ने से पहले काइनेटिक्स को जोड़ने से पहले थोड़ी सी एनर्जी प्रोफाइल की बात करता हूँ जो मैंने चर्चा किया था। सबसे पहले आप एंजाइम जब भी पढ़ते हैं तो उसमें पहला पॉइंट यही होता है कि डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसी एनर्जी प्रोफाइल के बारे में बातचीत करनी जरूरी है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, आई हैव डिस्कस्ड यू ऑलरेडी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी सब्सट्रेट को एक्टिवेट कर दे प्रोडक्ट में बनने के लिए। ये बताया ना, पढ़ा दिया मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को, कि एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सबस्ट्रेट, दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द सबस्ट्रेट, टू एक्टिवेट द
सबस्ट्रेट दैट इज नीडेड नीडेड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये की बात करता हूं, इसको मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट वाला भी बताया था, और स्टूडेंट भी ले सकते हैं कि आपको 13 यूनिट खुद पढ़नी है। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या, आप एक एस है, एस का मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट है, आप एस का स्टूडेंट मान लीजिए और पी का मान लीजिए कि नाउ यू आर गोइंग टू बी पीएचडी स्टूडेंट क्वालिफाइड वन, और ई का जो है एजुकेटर मान लीजिए, एनोलॉजी के तौर पे आप ले सकते हैं। अब आप इस चीज को समझिए जरा सा कि एज अ स्टूडेंट अगर आपको पीएचडी क्वालिफाई करके, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी थोड़ी सी हायर लेवल पे होगी, लेकिन अगर आपको जो है पीएचडी क्वालिफाई करना है मतलब और थोड़ा स्टेबल अपनी लाइफ को करना है, तो आप स्टेबल करने का मतलब आप लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहते, उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन में चीजें अलग अलग होती है। अब अलग अलग होती है तो यहां से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। दिस इज द डेल्टा जी, दैट इज द फ्री एनर्जी चेंज फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। यानी यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एनर्जी गैप विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट इन टू द प्रोडक्ट। अब इस एनर्जी गैप को अगर मैं एज ए स्टूडेंट एनोलॉजी और एजुकेटर एनोलॉजी पे कहूँ, तो 13 यूनिट आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो इतनी एनर्जी चाहिए अपने आप को, ताकि आप अपने आप को एक्टिवेट कर दे कि आप क्वालिफाई कर सके। ये है कहानी। इस कहानी को जो है कुछ साइंटिस्ट ने नए मतलब साइंटिस्ट ने इनको जो है मेटल स्टिक के तौर पे समझाया, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज समझाई कि अगर कोई एंजाइम है ही नहीं, मतलब विदाउट बायो कैटलिस्ट के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि देयर इज नो बायो कैटलिस्ट इज देयर व्हेन देयर इज नो एंजाइम इज देयर, तो इसको समझिए कि एक मेटल स्टिक है, मेटल स्टिक इज लाइक अ सबस्ट्रेट, और ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट इज लाइक अ बेंट स्टिक, मतलब एक सबस्ट्रेट को बीच में से तोड़ना है। तो आप समझिए कि एक मेटल स्टिक को ऐसे मोड़ रहे हैं जैसे, और उसको बीच में से तोड़ दे रहे हैं, तो दो प्रोडक्ट बन जा रहे हैं। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट विजुलाइज कराने के लिए समझाया गया। तो ये मेटल स्टिक है सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट ऐसे रॉड जैसा होगा, बीच में से बेंट फॉर्म किया तो वो ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि सबस्ट्रेट से ट्रांजिट हो रहा है प्रोडक्ट में, अभी बना नहीं है, और जैसे टूट जाएगा तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। सो दिस इज अ सबस्ट्रेट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट बेंट स्टिक, एंड ब्रोकन स्टिक इज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है तो ये प्रोसेस होगा जरूर, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ये प्रोसेस जनरली नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर डेल्टा जी यहाँ पे निगेटिव है इस प्रोसेस का, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अपने आप होगा, किसी बायो कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो। लेकिन अगर डेल्टा जी इस प्रोसेस का कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो ऐसे केसेस या ऐसा स्टेप जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट अपने आप प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का ही मतलब है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब सबस्ट्रेट खुद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है बिना किसी मदद के। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो अंदर से खुद ही मोटिवेटेड है, उन्हें किसी कोचिंग या किसी एजुकेटर की क्या जरूरत है, क्या उसको कोई जो है मोटिवेशनरी का कोई वीडियो देखना की जरूरत भी नहीं है, क्यों देखना है भाई, भाई मुझे मेरा करियर है, मुझे पढ़ना है, मुझे बनाना है, पढ़ के निकल जाएगा। दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इज नेगेटिव, बट देयर इज सम स्टूडेंट्स हु फील लाइक आई एम डीमोटिवेटेड, सर मेरा बेसिक्स नहीं है, ये नहीं है, इतना एक्सक्यूज देता है, मतलब ना मैं फाइनेंशियली वीक हूँ इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ मेरे ये, और अरे मतलब हद होती है भाई, मुझे आजकल के बच्चों का रोना देख के तो अजीब सा लगता है कि इतना एक्सक्यूज, मतलब एक्सक्यूज का भंडार बना रखा है, हर चीज को एक्सक्यूज बना दे रहा है, मेरे मोबाइल में फेसबुक है, मेरे सांसें चल रही है इसलिए एक्सक्यूज है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर। मतलब मैं अपनी स्टडीज के दौरान मैंने कई दफा शेयर किया हुआ कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी भाई, मतलब मैं खाना तक नहीं खा पाता था दो टाइम पे, ये हालत थी मेरी, दूध पी के सो जाता था मैं, 20 रुपए का मेरे उस वक्त मदर डेयरी मिलता था गाजियाबाद में, लेकिन मैंने कभी रोना तो नहीं रोया कि हाँ मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इसलिए मुझे नहीं पढ़ाई हो रही मेरे, क्योंकि तब तो और पढ़ना चाहिए बदलने के लिए, अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है तब तो आपके अंदर एनर्जी की जरूरत ही नहीं, वही आपका मोटिवेशन हो जाना चाहिए कि मुझे अच्छी करनी है, और उससे बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं अगर आपकी लाइफ और आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो। दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन यू हैव, उसके अलावा क्या चाहिए जिंदगी में, और अगर आपको वो मोटिवेशन नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि आपको रियलाइजेशन ही नहीं है, और ना ही आपको लाइफ बदलनी है, क्योंकि अगर इफ समबडी इज नॉट एट दैट कंडीशन कि वो फाइनेंशियली खुद को अच्छा फील कर सके,
या वो उसकी लाइफ ऐसी लग रही कि यार मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो लाइफ का बिगेस्ट मोटिवेशन अंदर से आता है। एक लोहे के मेटल स्टिक को ना उस पे पेट्रोल छिड़क के जितना भी जलाना चाहो नहीं जलेगा, तभी तक जलेगा जब तक उस पे पेट्रोल है, और आजकल के बच्चे मेटल स्टिक जैसे ही है। लेकिन एक लकड़ी के ऊपर एक बार पेट्रोल छिड़क के आग लगा दो, लकड़ी तब तक जलेगी जब तक कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है बर्न करने की, उसके अंदर कार्बन है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। और आपको अगर मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है अभी भी, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ की परवाह नहीं है। यू आर थिंकिंग दैट समबडी एक्सटर्नली विल मोटिवेट मी टू क्रैक द CSIR और टू क्रैक माई ड्रीम्स। मतलब आप सोच रहे हो मेरे सपने के लिए मुझे कोई और बताए और मोटिवेट करे कि तू अपना सपना पूरा कर, इससे तेरा फायदा होगा। कितना इलॉजिकल बात है, ठीक है? करियर वाइज तो बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। मैंने कभी ये सब चीजें करी नहीं। हाँ, मोटिवेशन तब हो सकता है जब लाइफ में कुछ ऐसी चीज हो रही हो जो थोड़ी हताश हो, जो थोड़ा सा पर हेल्थ वाइज थोड़ा सा ऐसा हो रहा हो या समथिंग लाइक दैट, तो समझ में आता है। अगर हेल्थ है, हेल्थ वाइज अगर कोई इशू नहीं है ना, तो पैसा, करीबी या काले गोरे, स्टेटस, फाइनेंशियल, ये सब वो सब कुछ सब बकवास चीजें। हेल्थ शुड बी गुड, मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए हेल्थ। और हेल्थ में अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो तब तक आपका कुछ नहीं गया है, तब तक आप एक अमीर इंसान बन सकते हो प्रॉपरली। इसीलिए हेल्थ सही रखो, मेहनत करो, दैट्स द ओनली थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू। और मोटिवेशन के चक्कर में मत भागो, बकवास बातों से वापस आते हैं। सो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, ऐसे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में खुद कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन व्हेन द डेल्टा जी इज पॉजिटिव, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इट विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। मतलब ऐसे रिएक्शंस को आपको बायो कैटलिस्ट देने की जरूरत पड़ेगी। बट इफ देर इज नो बायो कैटलिस्ट, नो प्रोडक्ट कन्वर्जन विल बी देयर। अगर इसको इतनी एनर्जी मिलेगी नहीं, अब कोई स्टूडेंट जो है इस 13 यूनिट को पढ़ ही नहीं पा रहा है, या वो जो सिलेबस को पढ़ ही नहीं पा रहा है, हाउ वो अकेले कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट में कभी, तो इसको किसी न किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। नाउ देयर इज काइंड ऑफ टू काइंड ऑफ एंजाइम्स इज देयर। पहले ऐसा माना जाता था कि एंजाइम एक ही तरीके का और एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करता है, लेकिन नहीं। अब इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया। एंजाइम जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है सबस्ट्रेट के। अगर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसका एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखिएगा कि अगर एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री है। एंजाइम के पास मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो मैग्नेट बेसिक तौर पे है, मेटल है, तो मैं मैग्नेट के तौर पे लेके चल रहा हूँ। चलो ये मैग्नेट्स लगे हुए, और इस तरीके से वो इस सबस्ट्रेट से बाइंड करके खींच लिया सबस्ट्रेट को, और ये सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट का कॉम्प्लीमेंट्री साइट से। यहाँ पे आई रिपीट, कॉम्प्लीमेंट्री साइट जो प्रेजेंट है या एक्टिव साइट जो प्रेजेंट है वो सबस्ट्रेट के लिए है। अब ऐसे केसेस में एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को फिर फोल्ड करेगा, उसको ट्रांजिशन स्टेट में लेके जाएगा, और फिर ट्रांजिशन स्टेट से उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इस दौरान जो है काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगेगी, क्योंकि सबस्ट्रेट को बेंट करना है, फिर उसको तोड़ना है। मतलब एक सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में भी लेके जाना है एंड देन उसको तोड़ना है। तो इस दौरान एंजाइम को ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है, लेकिन उतनी दे नहीं पाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ओनली फ्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी देयर। प्रोडक्ट बनेगा जरूर, लेकिन बहुत कम प्रोडक्ट्स बनेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी, इतनी एनर्जी एंजाइम कहां से लाया भाई? तो यही चीज यहाँ पे शो की गई है। इसका ग्राफ आप देखिए, तो ये जो है फ्री एनर्जी का ग्राफ है, और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पे सीधे सबस्ट्रेट जो है अनकैटलाइज्ड में, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में ये अनकैटलाइज्ड डेल्टा जी को शो किया गया है। और यहाँ पे जो ये वाला सिंबल है ये ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा है। दिस वन ऐसे अगर शो किया जाए तो उसका मतलब है ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे देखिए, अब ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, देखिए अगर थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे हो तो यही दिस मच अमाउंट, दिस मच, इतनी एनर्जी चाहिए। तो अगर ये सब्सट्रेट को इतनी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ES कॉम्प्लेक्स में। लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर सब्सट्रेट को मिले तो ES में, लेकिन ES के बाद इतनी एनर्जी और चाहिए भाई। ES से देखो, सब्सट्रेट से ES थोड़ा स्टेबल है अगर देख पा रहे हो, और ES से फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। मतलब यहाँ पे जो है जी अनकैटलाइज्ड है, और फिर जे कैटलाइज्ड है, और जी एम जहां पे कि ये ES कॉम्प्लेक्स से ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने की कहानी है। मतलब बाइंडिंग के बाद ये जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें बनाने में बहुत एनर्जी लग रही है। यहाँ पे जी एम बेसिक तौर पे जो है ये ES को और सबस्ट्रेट के बीच में जो एनर्जी गैप है उसकी बात हो रही है। मतलब जी एम इज द डेल्टा जी बिटवीन द ES एंड S,
जीएम जो है वो क्या है, वो आपके यहाँ पे डेल्टा जीएम आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इधर से दिखाने की कोशिश करूँ। देखो ये एस है और ये ई एस है, इनके बीच के जो एनर्जी गैप है वही है आपका जीएम। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, के लिए सुटेबल रहेगा लाइक दिस। तो ये देखिए ई एस कॉम्प्लेक्स और डेल्टा जी, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है यही जीएम कहलाता है। तो इतनी जीएम एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है, आप सोच रहे हो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट करने के लिए जो डेल्टा जी इतनी चाहिए थी अनकैटलाइज्ड, उसके अलावा अगर ये सिर्फ इतनी एनर्जी से ईएस कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके बाद भाई को और जीएम प्लस अनकैटलाइज्ड इतनी एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, ये एंजाइम के ऊपर और मेहनत बढ़ गई। अगर एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट के कॉम्प्लीमेंट रही है तो ऐसे एंजाइम जो है बहुत कम ही प्रोडक्ट बना पाते हैं, ज्यादा बना नहीं पाते जो एंजाइम सब्सट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसीलिए इसका एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री टू द सब्सट्रेट बताया। अब इसका तीसरा कॉन्सेप्ट जो एक अपकमिंग कॉन्सेप्ट है, या कह सकते हैं जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, कि एंजाइम शुड बी नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द सब्सट्रेट, क्योंकि उस वक्त प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत कम बनेगा। एंजाइम शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द ट्रांजिशन स्टेट। एंजाइम जो है वो सब्स्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब्स्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट ले जाना फिर वहां से करने में बड़ी एनर्जी लग जाती है, जो कि इसी वजह से फ्यू प्रोडक्ट्स बनते। अब देखो इस एंजाइम में जो ये मेटल्स के ये जो है आपके मैग्नेट्स के पोजिशन ऐसे शो किए गए, अब सोचिए कि एंजाइम का शेप ही जो है ब्रोकन, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है वैसा हो, तो ये जब ऐसा होगा आप सोचिए कि जब इसका शेप ही ऐसे होगा तो वो ई एस कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा फट से, मतलब वो जैसे ई एस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जुड़ेंगे एंजाइम और सब्सट्रेट बनेगा तुरंत इसको इस तरीके से शेप में कन्फर्मेशन चेंज कराएगा। क्योंकि अब कन्फर्मेशन ऐसा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल आपने पढ़ा है, ये जो मॉडल है ये लॉक एंड की जैसा काम कर रहा है, जो एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री टू द सब्सट्रेट, इट दिस मॉडल वर्क्स लाइक अ लॉक एंड की हाइपोथेसिस, कि एग्जैक्टली फिट हो जा रहा है ई एस जो सब्सट्रेट है वो एंजाइम के साथ। लेकिन आपने दूसरा एक मॉडल मैंने बताया था इंड्यूस्ड फिट, दैट्स लाइक अ ट्रांजिशन स्टेट वर्क, जब वो ट्रांजिशन जैसा हो तो पहले देखिए थोड़ी सी सब्सट्रेट यहाँ पे बाइंड किया और ई एस कॉम्प्लेक्स बनाया, और जैसे ही सब्सट्रेट बाइंड ये हुई एंजाइम के अंदर क्या हुआ, कॉन्फर्मेशनल चेंज। और जब कॉन्फर्मेशनल चेंज होगा तो कॉन्फर्मेशनल चेंज एक्चुअली में उसको कैसा लेके जाएगा, वो ट्रांजिशन स्टेट जैसा कॉन्फर्मेशन बना देगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो है तुरंत बेंट हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बना देगा, और ट्रांजिशन स्टेट बना देगा तो फटाक से जो है इस ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा तो इसको तोड़ के प्रोडक्ट में क्रिएट कर देगा। अब यहाँ इस दोनों ग्राफ में बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस देखिए, यहाँ पे जो एस और ई एस का जो डिफरेंस था, जो जीएम था वो बहुत ज्यादा था और नीचे की तरफ उसको लेके जा रहा था और वहां से ऐसे कर रहा था, बिकॉज सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री था, बहुत एनर्जी लग रही थी इसको मोड़ने में, मेटल स्टिक को मोड़ने में टाइम लगेगा भाई, मेहनत लगेगी, एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर ये एंजाइम का कॉन्फर्मेशन ही वैसा हो तो फिर मेहनत नहीं लगेगी, ऑटोमेटिकली सबस्ट्रेट को उस तरीके से अपने आप रिफॉर्म होना है कंप्लीटली बाइंडिंग, या क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन वगैरह जब होगा तो खुद ही जाएगा ऐसे। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देखिए सबस्ट्रेट से थोड़ी सी एनर्जी मिली तो ई एस कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ का ई एस कॉम्प्लेक्स को जो देखे तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, और ई एस कॉम्प्लेक्स के बाद देखिए फिर ये थोड़ा सा ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट में, तो इसकी जो डेल्टा जी कैटेलाइज्ड है यहाँ पे देखिए, डेल्टा जी कैटेलाइज जब एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट था तो यहाँ पे डेल्टा जी कैटेलाइज क्या था, डेल्टा जी अनकैटेलाइज्ड प्लस डेल्टा जी एम, जो कि ये था दोनों का इसमें कैटेलाइज की एनर्जी ज्यादा हो जा रही थी, जबकि यहाँ पे देखिए जो कैटेलाइज था डेल्टा जी कैटेलाइज अगर ध्यान दे तो इसमें डेल्टा जी अनकैटेलाइज में से डेल्टा जी एम माइनस हो जाता है ना कि प्लस होता, तो ये कहानी है डेल्टा जी कैटेलाइज जो हो जाएगा वो डेल्टा जी अनकैटेलाइज माइनस डेल्टा जी एम, दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि जो एंजाइम और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के बीच का जो एनर्जी गैप है, अगर एंजाइम सब्सट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो उतनी एनर्जी उसे मोड़ने के लिए खुद देनी पड़ेगी भाई, ये समझ में आ रही बात ना, खुद देनी पड़ेगी सब्सट्रेट से फिर प्रोडक्ट में, तो कन्वर्ट करना तोड़ना अलग है। लेकिन अगर वो ट्रांजिशन स्टेट से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी इंड्यूस्ड फिट के मॉडल पे काम करेगा, तो उसे फिर तोड़ने के लिए या उसको बेंट करने के लिए एनर्जी खुद देनी नहीं है, वो एनर्जी बच जाएगी, सबस्ट्रेट खुद ही बेंट हो जाएगा, और बेंट होगा तो वो एनर्जी, वो जो बची एनर्जी है उसी से माइनस करा देगा, तो कैटेलाइज्ड एनर्जी कम हो गई, समझ में आई बात या नहीं?
ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं मेटल स्टिक वाले एग्जांपल से, कि आपको एक लोहा दे दिया गया है, उसको सीधा पकड़ रहे हैं, फिर मोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो डबल एनर्जी मोड़ने की तोड़ने की। लेकिन आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑलरेडी वो देंगे रॉड, तो वो खुद ही मुड़ जाएगा, सिर्फ आपको तोड़ना है। तो यहाँ पे एनर्जी बची कि नहीं बची? बिल्कुल बची। इसीलिए डेल्टा जी कैटलाइज्ड कम हो जाता है, और इसका ग्राफ देखोगे तो आप ऐसे आ, ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में आपके होना चाहिए, कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए या ट्रांजिशन स्टेट के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए? ट्रांजिशन स्टेट के। और अगर सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो जो कैटलाइज्ड डेल्टा जी है वो अनकैटलाइज से ज्यादा हो जाएगा। ये ध्यान रहे, यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो डेल्टा जी कैटेलाइज्ड विल बी ग्रेटर देन डेल्टा जी अनकैटेलाइज्ड, ज्यादा हो जाएगा एनर्जी और डेल्टा जी एम उसमें जुड़ रही है। लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो डेल्टा जी कैटेलाइज्ड कम हो जाएगा, कम एनर्जी जो है डेल्टा जी अनकैटेलाइज्ड से। तो अब बताइए कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है बेसिक तौर पे, वो डिफाइन कर रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए। एक्चुअली यार डेल्टा जी बढ़नी बढ़ेगी कि घटेगी, देख रहे हो कि नहीं? यहाँ पे एक्चुअली में बढ़ जा रही है डेल्टा जी, तो हम इसको ये बोल सकते हैं इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, जबकि यहाँ पे डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी हो रही है। तो ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो निकल के आया है, ध्यान रहे कि एंजाइम किसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ना कि सबस्ट्रेट के बल्कि ट्रांजिशन स्टेट के। इसको मेटल स्टिक एग्जाम्पल से समझाया गया है। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो जो एंजाइम और जो सबस्ट्रेट बन के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बीच की जो एनर्जी है, यानी ई और ईएस कॉम्प्लेक्स के बीच की जो एनर्जी है, जिसे हम डेल्टा जीएम बोल रहे हैं, उसी को डेल्टा जीबी भी बोला जाता है। डेल्टा जीबी का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोला जाता है? बाइंडिंग एनर्जी। एंजाइम जब सब्सट्रेट से बाइंड कर रहा है तो वही एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी है। अब सोचिए कि ऑब्वियस ही बात है कि यही बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया यहाँ पे भी। तो फाइनल इक्वेशन कुछ देखो ऐसा आ रहा है, ये है आपके पास। अगर विदाउट ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन ऐसे था, लेकिन जैसे कैटलाइज हो गया तो ईएस ईपी और फिर प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली जो है कैटलाइज्ड के लिए डेल्टा जी इतना है, अनकैटलाइज्ड के लिए डेल्टा जी इतना है। और कैटलाइज्ड के लिए इतनी एनर्जी जो रिड्यूस हो गई वो क्यों हो गई? क्योंकि डेल्टा जी बी से। तो डेल्टा जी कम हुआ, क्यों कम हुआ भाई? क्योंकि वहां पे जो है बाइंडिंग एनर्जी जो है डेल्टा जी बी कॉन्ट्रीब्यूट किया। ऑब्वियस ही बात है, समझिए कि पहले किसी चीज को खरीदने की, या आप अगर खुद अकेले तैयारी कर रहे होते, मेहनत कर रहे होते, तो आपको सारी की सारी यूनिट खुद पढ़नी थी। लेकिन जैसे ही आप हमसे बाइंड किए, हमने आपकी आधी मेहनत जो है खुद दे दी, जिससे आपकी जो मेहनत है सिर्फ अब सेल्फ स्टडी पे रह गई है। जितना आप सेल्फ स्टडी कर सके उतना है जो है, क्योंकि नोट्स प्रिपरेशन से लेके एवरीथिंग आपको सीधे मिल जा रही है। आपको सिर्फ अब उसे रिवीजन रिकॉल और प्रैक्टिस के माध्यम से लेके जाना है। तो मेहनत कम, ऑब्वियस ही बात है कम हो जाएगी, तो आपका रेट ऑफ कन्वर्जन जो है बढ़ जाएगा। दिस इज द बेसिक काइनेटिक्स, और इसका जो है एनर्जी प्रोफाइल कुछ उसी तरीके से आता है। यही चीज यहाँ पे भी है कि विदाउट एंजाइम और विथ एंजाइम, तो ये चीज भी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है। अब जो है एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये वॉइट एंड वॉइट बुक से लिया गया है, कि किसी के मन में अगर ऐसा सवाल आ रहा है कि जो डेल्टा जी कितना क्या कैसे होगा, तो जरा ध्यान दीजिए कि बाय हाउ मच मस्ट एन एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द रिएक्शन टू अकर 50 टाइम्स फास्टर इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। मतलब अगर एक रिएक्शन जो है, एक सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में किसी रेट से हो रहा है विदाउट एंजाइम, ठीक है, मान लेते हैं कि विदाउट एंजाइम जो हो रहा है उसका रेट जो है वो वी है, तो अगर वो विद एंजाइम, अगर वो सबस्ट्रेट प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो विद एंजाइम इसका जो रेट हो जाना चाहिए वो कितना टाइम्स फास्टर हो जाना चाहिए? 50 टाइम्स। ये कहानी बोल रहे हैं। तो अगर 50 गुना फास्टर बनाना हो तो एंजाइम को एक्टिवेशन एनर्जी कितना कम करना पड़ेगा? सीधी सी बात यह है, तो उसी के ऊपर बातचीत आ जाती है कि कितना कम करे कितना ना करे। तो रेट ऑफ इनहांसमेंट या चीजें, आपने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है?
ये भी थोड़ा सा मसला आता है। ए ई ऐसा कुछ सुना है कि नहीं? अरे हाँ मैं भूल गया, बायो एनर्जेटिक्स नहीं पढ़ा है ना मैंने अभी, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा डेल्टा जी का ठीक है, मैं इस न्यूमेरिकल को वहीं पे करा दूंगा, लेकिन डेल्टा जी का एक फॉर्मूला आता है RTLnK, सुना है कभी इसके बारे में? तो बस डेल्टा जी RTLnK है, रख के निकाल नहीं सकते हो शांति से, RTLnK है। अब ये जो रेट कांस्टेंट है बेसिक तौर पे वो 50 गुना ज्यादा हो जाना चाहिए, तो बस आप R की वैल्यू रखो, T की वैल्यू रखो केल्विन में, और एयर वैल्यू रखो, लगभग कितना जो है, अगर हमें इतना रेट कांस्टेंट बढ़ाना है तो उसके हिसाब से कितना डेल्टा जी चेंज होना चाहिए, वो कम से कम 10 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू ज्यादा मैटर नहीं रखता, बस इस चीज का लॉजिक समझिए कि अगर किसी रिएक्शन को लगभग 50 गुना बढ़ाना हो, किसी भी रिएक्शन को 50 गुना बढ़ाना, तो कितनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को 10 किलो जूल पर मोल, समझ रहे हो? इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बहुत कम अमाउंट नहीं है। अगर 50 गुना बढ़ाना हो तो कितनी एनर्जी को कम करना पड़ता है, और एंजाइम ये करने में बिल्कुल सक्षम होता है, कर लेता है। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि जो कितना जो एनर्जी कम किया जाएगा तो कितना रेट बढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चन CSIR में, DBT में, वैसे पहले DBT में आते थे, लेकिन अब DBT वाले भी जो है काफी कम कर दिया न्यूमेरिकल्स पूछना, क्योंकि उसमें जो है लाइफ साइंस के बच्चों को इंक्लूड करवा दिया गया। तो दिस इज द बेसिक्स, जो एंजाइम काइनेटिक्स को देखा कि कैसे एंजाइम सब्सट्रेट से जुड़ रहा था, एक बार क्विक रिकॉल कर दो, उसके बाद कैसे जो है वहां पे बॉन्ड ब्रेकेज फॉर्मेशन की बात करी मैंने, क्यों जो है रेट इस तरीके से ग्राफ बढ़ते बढ़ते सेचुरेट हो रहा था इस पे बात किया, 0 ES कॉम्प्लेक्स और 100 ES कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट समझाया कि कहाँ पे जाके रेट मैक्सिमम हो रहा है और वहां पे क्यों सेचुरेट हो रहा है, ये समझा हमने। फिर हमने काइनेटिक्स के सब्सट्रेट बाइंडिंग और कैटालिटिक स्टेप को समझा, और कौन रिवर्सिबल है कौन इरिवर्सिबल समझा, उसमें K1 K-1 या ये सारी चीजें क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है ये देखा, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करी कि वो ES कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है और K2 पे जो है डिपेंड करता है। इसके बाद हमने जो है वो मेटल स्टिक का कॉन्सेप्ट समझा कि जो सब्सट्रेट है वो एक मेटल स्टिक जैसा होता है, और उसमें जो प्रोडक्ट में बनाने के लिए उसे एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है, जो बेंट स्टिक वाला कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एंजाइम सब्सट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री है तो उस दौरान जो बाइंडिंग एनर्जी होगी एंजाइम और सब्सट्रेट की, वो बाइंडिंग एनर्जी खुद एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो है एंजाइम को अपनी तरफ से, यानी यहाँ पे कैटेलाइज्ड का जो डेल्टा जी होगा वो ज्यादा हो जाएगा अनकैटेलाइज्ड, जबकि अगर एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री होगा ट्रांजिशन स्टेट से तो जो बेंटिंग यानी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो एंजाइम को खुद नहीं देनी है, तो जिसकी वजह से डेल्टा कैटेलाइज जो है डेल्टा जी कैटेलाइज्ड वो कम हो जाता है अनकैटेलाइज्ड से, और उसका ग्राफ प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आता है।